एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइटिंग को लेकर के कि राइटिंग को किस तरीके से सुधारा जाए और कितनी जल्दी जो है हम राइटिंग को सुधार सकते हैं वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये टेक्निक मैंने आपके सामने लिखी हुई है, इसे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहे। तो अगर हम राइटिंग की बात करें, आखिर राइटिंग सुधारना क्यों ज़रूरी है, तो सबसे मेन चीज़ जो होती है एग्ज़ाम में वो राइटिंग ही होती है। ठीक है, मैंने स्कूलों में पढ़ाया है, मैंने जो है कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया है, तो मुझे पता है कि राइटिंग का कितना जो है इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एक बच्चा कितना भी अच्छे से पढ़ ले, कितना भी अच्छा उसका कॉन्सेप्ट हो, कितनी भी अच्छी उसकी मेमोरी हो, वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? उसका कारण ये है कि वो अपनी उस नॉलेज को सही से दिखा नहीं पा रहा है। और दिखा नहीं पा रहा है इस कारण, चाहे वो कितना भी अच्छा उसने लिखा हो, कितना भी अच्छा कंटेंट उसने लिखा हो, वो जो है उस पर उसे सही नंबर नहीं मिलते हैं। तो राइटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो राइटिंग अगर हमारी सुधरी हुई है, तो अगर हमें कंसेप्ट अच्छे से नहीं भी पता है, ठीक है, अगर हमने अपनी बातों को ठीक से नहीं भी लिखा हुआ है तो भी मार्क्स मिल जाते हैं। ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। तो राइटिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से हम इसे सुधारेंगे, तो यहाँ पे मैंने जो टेक्निक लिखी है ये एक एक करके मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो है राइटिंग सुधारने के लिए, सबसे पहला जो तरीका है, ठीक है, या कहेंगे चीज़ जो है वो है चूज़ राइट पेन। ठीक है, राइट पेन। अब पेन जो होता है, आपने देखा हो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अलग अलग पेन से हमेशा लिखते रहते हैं। कभी उन्होंने मोटी ग्रिप वाला पेन ले लिया, तो कभी उन्होंने पतली ग्रिप वाला पेन ले लिया, या फिर कभी वो जो है पेंसिल से लिखने लग जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स की राइटिंग जो है वो फिक्स नहीं हो पाती है। वो कभी तो अच्छा लिखेंगे, कभी एकदम से बेकार लिखने लग जाते हैं। तो राइटिंग इसी में ही तो गलत हो जाती है। तो सबसे पहली जो चीज़ है राइटिंग सुधारने के लिए, वो आपको लिए आपके लिए जो है वो है पेन को चेंज करना। एक फिक्स पेन आपको लेना है, फिक्स ग्रिप का। अगर आप पतला पेन यूज़ करना चाहते हैं तो पतला पेन यूज़ करें, मोटा पेन यूज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ मोटा पेन ही यूज़ करें, ठीक है। तो पेन आपको जो है चूज़ करना ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा जो तरीका है वो ये कि अगर आप कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है, तब चाहे वो हिंदी का वर्ड हो या फिर इंग्लिश का वर्ड कह रहा हूँ मैं, अक्षर हो, तो उसको आपको चेंज करके लिखना है। जैसे कि आप का है, का एक अक्षर है, ठीक है, का आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, आप का ऐसे लिख रहे हैं। तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको इस का को दूसरे वे में बनाना सीखना होगा। जैसे कि आपको का इस तरीके से लिखना सीखना होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको अपने जो लेटर होते हैं उनको चेंज करके लिखना है, ठीक है, उनको चेंज करके लिखना है। ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका जो है वो है चेक योर पोस्चर। चेक योर पोस्चर का मतलब ये हो गया कि आप देखेंगे कि जब आप अच्छे से बैठ के लिखते हैं तो आपकी राइटिंग जो है अच्छी आती है, लेकिन अगर आप सो के लिख रहे हैं या आप खड़े होके लिख रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आपको देखना यह है कि आपका पोस्चर कैसा है, ठीक है, और कोशिश ये करें कि सही से बैठ करके टेबल पे अच्छे से लिखें। अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो आप राइटिंग कभी नहीं ठीक कर सकते, अपनी नहीं सुधरेगी आपकी राइटिंग। तो सबसे पहले आपका कंफर्टेबल होना ज़रूरी है, तब जाकर अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली साफ होगी, ठीक है ना, सही होगी। अगला जो तरीका है वो है पिक द राइट पेन। अच्छा, ये मैंने जो है दो बार लिख लिया है, पिक द राइट पेन, ठीक है, तो इसे काट देते हैं। नेक्स्ट है चेक द हाइट ऑफ योर लेटर। चेक द हाइट ऑफ योर लेटर का मतलब ये हो गया कि आप जो भी लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, मैंने हिंदी का तो बता दिया, मैं एक इंग्लिश का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट लिखते हैं, जैसे अगर मैं उनको बोल देता हूँ लिखो लिखो राउंड लिखना है हमने, तो आर ओ यू एन डी। अब आप देखेंगे इस राउंड वर्ड में क्या मिस्टेक हुई है, वर्ड जो है उनकी हाइट्स चेंज है, और हाइट अगर चेंज है तो ऑब्वियसली राइटिंग तो गलत होगी ही। तो हाइट जो है वर्ड्स के वो सही होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर वो राउंड लिख रहा है तो आर ओ यू एन डी, तो आप देखेंगे इनमें हाइट जो है वर्ड्स की वो एकदम बराबर है, ठीक है। तो जब वर्ड्स की हाइट बराबर होगी तो राइटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली ही सही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी राइटिंग को सुधार सकते हैं। तो ये मैंने टेक्निक आपको बताई, चार टेक्निक बताई है मैंने इसमें आपको, ठीक है। तो इसे जो है आपको सही से देखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो पेन लिखा हुआ है, पिक द राइट पेन की जगह पर आपको लेना है पेपर, ठीक है, पेपर।
मैंने गलती से यहाँ पेन लिख दिया था, तो आपको पेपर, मतलब ये कि पेपर का भी जो है रोल हमारी राइटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखें, अगर आप किसी भी रफ पेपर पे लिखेंगे, ठीक है, जिसका पेज ब्राउन होता है, तो उस पर आपकी राइटिंग काफ़ी अच्छी आती है। ठीक है, क्यों अच्छी आती है? क्योंकि वो एक रफ पेपर है, ठीक है, उसके जो उसमें स्मूथनेस नहीं होती है, खदरापन होता है, तो पेन उस पर अच्छे से जो है दब जाता है और आप जो लिखते हैं तो आपकी राइटिंग सही बनती है। लेकिन अगर आप किसी वैसी कॉपी पे लिखेंगे जिसका पेज एकदम मुलायम है, सफ़ेद है, तो आपकी राइटिंग उस पर बेकार बनती है। उसका कारण यह है कि आपकी जो निप है वो उस पर फिसलती है। ठीक है, तो पेपर का सही होना भी ज़रूरी है। अगर आप अपनी हैंड राइटिंग को सुधार रहे हैं और वो भी रफ कॉपी में, तो आपकी राइटिंग जो है रफ कॉपी तक ही सुधरेगी। उसी चीज़ को अगर मैं आपसे लिखवाऊँगा फेयर कॉपी में या किसी प्लेन पेज वाली कॉपी पर, तो आप वहाँ पर नहीं लिख पाएंगे सही से। ठीक है, तो पेपर का चुनना भी बहुत ज़रूरी है कि जिस पेपर पे आप लिख रहे हैं वो भी मैटर करता है आपकी राइटिंग के लिए। ठीक है, तो पेपर जो है आपको राइट चूज़ करना है हमेशा। आप राइटिंग सुधार रहे हैं तो आपको जो है कोशिश ये करनी है कि आप प्लेन या सादा पेपर जो होता है या मुलायम स्मूथ जो पेपर होता है उसके ऊपर लिखें, ना कि रफ कॉपी में। ठीक है, तो पेपर का भी इसमें जो है रोल होता है। तो ये टेक्निक जो मैंने आपको बताई है ये काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। अलग अलग वीडियोस आप देखेंगे, अलग अलग तरीके से वहाँ पे बताया गया होगा, लेकिन मेन जो तरीका है राइटिंग सुधारने का वो यही है। मैं आपको अपनी राइटिंग दिखाऊंगा किसी वीडियो में, तो आप देखेंगे कि उसमें मेरी राइटिंग बहुत ही बेकार थी। मैंने यही सब जो तरीके हैं वो फॉलो किए थे और इसी से ही मेरी राइटिंग में सुधार आया था। ठीक है, तो जो टेक्निक है वो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि आपको सबसे पहले जो है राइट पेन चूज़ करना है, ग्रिप को देख करके, या तो आप मोटी ग्रिप का पेन यूज़ करें या तो आप पतली ग्रिप का पेन यूज़ करें, वो आपके ऊपर है, लेकिन एक ही तरह का पेन यूज़ करना है, चेंज नहीं करना है बार बार आपको। दूसरा, चेंज योर वे टू मेक वर्ड्स, शब्दों को जो आप बनाते हैं उसको सुधारें। जैसे कि आप ए बना रहे हैं, तो कई लोग ए ऐसे बनाते हैं लेकिन कई लोग ए ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसे बनाते हैं तो ऐसे बनाने लग जाएं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपने लेटर बनाने का जो तरीका है वो चेंज किया, और लेटर बनाने का अगर तरीका आपने चेंज कर लिया है, तो आप देखेंगे कि आपकी राइटिंग में भी चेंजिंग अपने आप दिखने लग जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट जो है चेक योर पोस्चर। पोस्चर भी काफ़ी ज़रूरी है। पोस्चर भी मैंने आपको बता दिया कि भाई आप जब भी कोई चीज़ लिख रहे हैं तो आपको जो है सही पोस्चर में लिखना है, ना कि लेट करके, और आप ये सोचें कि मेरी राइटिंग जो है लेट के सुधर जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिक द राइट पेपर, पेपर भी जो है काफ़ी ज़रूरी है कि आप जिस पेपर पर लिख रहे हैं वो अच्छा हो, स्मूथ हो, एकदम प्लेन हो। ठीक है, प्लेन का मतलब ये नहीं कि एकदम से ड्राइंग शीट उठा लें, लाइन वगैरह हो। ठीक, कॉपी आती है, रजिस्टर्स आते हैं क्लासमेट वगैरह की, तो आप देखेंगे उनका पेपर बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, मोटा होता है, तो आप उस पर जब लिखेंगे तो आपको रियल में पता चलेगा कि आपकी राइटिंग कैसी है, ना कि रफ पेपर पे। रफ पे लिखेंगे तो आप तो ऑब्वियसली आपकी राइटिंग अच्छी ही जाएगी। नेक्स्ट है चेक द हाइट ऑफ योर लेटर। ठीक है, तो जब भी आप लिख रहे हैं तो आप ये ज़रूर देखें अपने शब्दों में, तब चाहे वो हिंदी में लिख रहे हो या आप इंग्लिश में लिख रहे हो, कि उनकी जो हाइट्स है वो बराबर रहे। अगर एक वर्ड आप ऊपर लिख रहे हैं, एक वर्ड अगर नीचे लिख रहे हैं, तो इसमें जो है आपका गलत हो जाती है राइटिंग। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको राउंड लिख के दिखाया, तो इसमें आप देख रहे हैं कि R बड़ा है, O भी देखें कितना बड़ा है, उसके बाद UND। ठीक है, तो इसमें अंतर आ गया है। अगर इस तरीके से वही लिखा जाए तो एकदम सही बन जाता है। तो हाइट जो है ये भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है राइटिंग में। तो इन सब तरीके से जो है आप अपनी राइटिंग को सुधार सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।